सीनियर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सत्तू की कचौड़ी। तो चलिए आज हम बनाते हैं सत्तू की कचौड़ी। तो हमने एक बर्तन लिया है, उसमें इस कप से मैं 3 कप आटा डालूंगी, 1 चम्मच घी, 1/2 चम्मच से भी कम नमक, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं करना है, बस अच्छे से दोनों हाथों से मिला लीजिए, चाहे एक हाथ से ही मिला के अच्छे से पानी डाल के गूंदिए। और आटे का जो डो है वो हम टाइट ही रखेंगे। देखिए हमारा आटा लग के तैयार हो गया। अब हम इसको रखेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए जिससे आटा ये सेट हो जाए। अब हमने एक कटा हुआ बड़ा प्याज लिया है, हल्दी पाउडर, अजवाइन, कलौंजी, धनिया, 5 से 6 हरी मिर्च, 4 से 5 टुकड़े अदरक के, और लहसुन के 5 से 7 कलियां, और लाल मिर्ची भरी हुई अचार की। अब हमने एक बर्तन में 1 कप सत्तू लिया है, 1 कप, और प्याज डाला है, और इसमें हरा धनिया डालेंगे, और कलौंजी को हम हाथ पे लेके पहले क्रश करेंगे ताकि अच्छा सा खुशबू आए इसके अंदर। अब डालेंगे इसमें जो हमने लहसुन और मिर्ची ले रखी थी उसको हमने अच्छे से मिला दिया है, इसको पीस लिया है। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं इसमें। अब हमने अजवाइन लिया है 1/2 चम्मच, इसको अच्छे से हाथ को इस पर भी इसको भी क्रश करेंगे ताकि इसको खुशबू का जो फ्लेवर है आए, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और ये जो लाल मिर्ची जो हमने लिया था अचार वाली उसका सिर्फ हम मसाला ही यूज़ करेंगे, मिर्ची नहीं। अब दो स्पून हम ऑयल लेंगे सरसों का, और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब जब हम बनाएंगे इसको तो सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा इसमें हमने पानी का यूज़ किया है, 3 से 4 चम्मच बस। आप चाहे तो उसके जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर ऑयल ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हमने पानी का यूज़ किया है। ये देखिए, अब इतना भरभरा होना चाहिए इसको भरने के लिए। और एक बर्तन लिया है हमने, और उसमें एक प्लेट रखा है पलट के, और इसमें हम इस तरीके की एक जाली ले लेंगे और इसके अंदर रखेंगे। आप कोई भी स्टीमर वाला बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं इसको स्टीम करने के लिए। मैंने इस मेथड से बनाया है इसको। और इसमें डालेंगे 1 से 1.5 कप पानी। अब हम इसको गर्म करने के लिए गैस पे रखेंगे जब तक इसमें स्टीम होगा हमारा। चलिए तो रखते हैं, और उसके बाद देखिए ये कैसे भरभरा है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए जैसे ये भरभरा है। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो चलिए आटा हमारा सेट हो गया है। अब इसे अच्छे से एक बार हम मिला लेते हैं, और इसकी हम गोल गोल गोलियां सी काटेंगे, जैसे रोटी की काटते हैं ना वैसे ही काटेंगे इसको भी। और जैसे हम पराठा भरने के लिए यूज़ करते हैं वैसे ही हम इसको भी यूज़ करेंगे भरने के लिए। देखिए ऐसे करके आप इसको आराम से 1 से 1.5 चम्मच आ जाएगा इसके अंदर, और इसको आराम से भर लीजिए ऐसे गोल गोल बना के। और आटा लगा के रखेंगे ताकि एक दूसरे के अंदर चिपके ना, और ऐसे ही हम सारा बना लेंगे। और देखिए हमने पानी हमारा गर्म हो गया है, और स्टीम पे रख दिया हमने स्टीम होने के लिए। और इसको हम ढक देंगे कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पे इसको उबालेंगे। जब तक हमारा स्टीम होता है तब तक हम चटनी बना लेते हैं। चटनी में मैंने थोड़े से पुदीना डाला है, 3 से 4 मिर्ची, और 5 से 6 लहसुन की कलियां, और थोड़े से धनिया, 1/2 चम्मच नमक, और नींबू का रस 1/2 डाला है इसके अंदर। अब हम इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे अच्छे से। देखिए हमारा चटनी बनके तैयार हो गई। अब इसको हम एक
बर्तन में डाल लेते हैं। ऑब्वियसली सब कुछ चटनी बनाना आता ही है। चलिए देखते हैं, हमारा स्टीम होके कंप्लीट हो गया है। देखिए ये छोटे से बड़े साइज़ में डिफरेंट, छोटे से बड़े साइज़ में हो गया है। अभी ये हमारा अच्छे से स्टीम हो गया है, इसको उलट पलट करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि स्टीम है तो ये प्रॉपर एक प्रॉपर स्टीम हो रहा था। इसलिए देखिए हमारा फॉक में भी लगा हुआ नहीं आ रहा आटा, तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में और बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है ये। और इस मेथड से अगर आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा और इजीली आप तेज़ आंच में भी अगर हो जाता है फ्राई तभी भी ये मतलब नुकसान नहीं करेगा खाने में। तो चलिए अब हम इसको निकालते हैं। तो हमने गैस पे कढ़ाई रखा है, अब हम कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, अब उसमें हमने तेल डाल दिया है, तेल को भी अच्छे से गर्म हो गया हमारा। अब इसमें हम इसमें एक एक करके सारे तलने के लिए डालेंगे। आप ज़्यादा तेल का यूज़ मत करिए, आपको अगर ज़्यादा लगता है तो आप दो हिस्से में इसको तल लीजिए। और देखिए एक एक करके, और मीडियम सीम आँच पे ही आप इसको तलिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा क्योंकि पहले से ही स्टीम हो चुका है ये, क्योंकि ये डायरेक्टली इसको अलग कट करके इसको अब अच्छे से हम सेक लेंगे। हमने स्टीम करके इसकी सिकाई करी। तो देखिए हमारा ये सिक्के बहुत अच्छे से तैयार हो गया, बिल्कुल गोल्डन कलर पे ही उतारना है इसको। तो देखिए अब हमने ये निकाल लिया, अब हम ये जो डाल रहे हैं दूसरा वो हम बिना स्टीम का ही डाल रहे हैं, इसको भी हम दिखाएंगे बिना स्टीम के। बिल्कुल उसको लो फ्लेम पे ही इसको भी स्टीम सेकेंगे तेल में, और आप चाहे तो इसकी जगह रिफाइंड या तेल दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप। अब देखिए इसको भी हम ऐसे ही सारा डाल के और उलट पलट करके इसको हम सेक लेंगे। तो देखिए हमने ये दोनों मेथड से आपको बना के दिखाया है और दोनों ही बहुत अच्छा होता है बनाने में और खाने में। कचौड़ी बनके तैयार है, अब इसको खाइए और एंजॉय कीजिए, और इसे आप चाहें तो आप टिफ़न में भी दे सकते हैं और सफ़र में भी ले जा सकते हैं। हमारे सत्तू की कचौड़ी बनके तैयार हो गया, अब खाने में भी बहुत अच्छा है और सफ़र में ले जाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। आप जब चाहिए बनाइए और जहाँ जाते हैं आप लेके इसे जा सकते हैं साथ में, और खाइए और एंजॉय कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।